हेलो एवरीवन, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंजना गुप्ता। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है चेस्ट फिजियोथेरेपी। इसमें मैं मेनली सेल्फ चेस्ट फिजियो पर ही फोकस करूँगी। कोविड की वजह से जो हमें इफ़ेक्ट आ रहा है मेनली लंग्स में स्टार्ट हो रहा है। लंग्स धीरे धीरे कंसॉलिडेट होने लगते हैं और ऑक्सीजन एक्सचेंज बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम कोशिश करते हैं लंग का स्ट्रक्चर समझने की। जो हमारा लंग्स अंदर से हैं, दे आर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि उसमें छोटे छोटे हेक्सागोनल सैक्स रहते हैं जिसमें नॉर्मली दे आर वेरी क्लियर और उसमें हवा भरी रहती है। बट जब वायरस की एंट्री से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, बॉडी रिएक्शन की वजह से ये सिक्रेशन और म्यूकस से भर जाते हैं, यानी कि ये थिक हो जाते हैं इनकी वॉल्स और ये इसमें डिफरेंट तरह की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें ब्रीदिंग के लिए उनको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अंदर जो वायरस लॉज हो जाता है, हम उस वायरस को बॉडी से निकालने के लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी और पोस्टरल ड्रेनेज एक डिफरेंट बहुत ही कॉमन टेक्निक्स हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट ICU या CCU में यूज़ करता है। तो यहाँ सेम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि जब हमारे रेस्पिरेशन लेवल बहुत ख़राब हो गई है, धीरे धीरे डिप होती जा रही है, यहाँ पर हम सेम टेक्निक को यूज़ करके अपने आप इस सिक्रीशंस को बॉडी में से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि पेशेंट आइसोलेशन में है, आइसोलेशन की वजह से कोई और थेरेपिस्ट या और कोई हेल्प मिलना बहुत मुश्किल है। तो पेशेंट को सेल्फ चेस्ट फिजियो बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि पहले तो पेशेंट को प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, उसको नॉर्मल एक्सरसाइजेस करके अपने आप को लंग्स को, चेस्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है। जब इन्फेक्शन हो ही गया तो हमें क्या करना है, हमें उस सिक्रीशंस को धीरे धीरे बाहर निकालना है। तो उसको निकालने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे एक टेक्निक सेल्फ कपिंग, हैकिंग, क्लैपिंग प्रोसीजर्स हैं, परकशंस टेक्निक्स हैं। तो यहाँ इतनी सारी टेक्निक्स तो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, तो वी गो फॉर अ बेसिक। तो सबसे पहले हम हाथ का एक कप बना के इस तरह गोल करके अपनी बॉडी पर, अपने चेस्ट पर, लंग्स पर इसको हम कुछ देर तक करेंगे, टैपिंग करेंगे। इस प्रोसीजर को कपिंग बोलते हैं। तो यू कैन गो यहाँ दोनों तरफ, यहाँ इस तरह करके बैक में भी कर सकते हैं, जितना हम कर सकें। एवरी वेयर वी कैन गो, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ ऑन द साइड्स, ऑन द साइड्स, बिकॉज जो हमारे लेटरल सेगमेंट और लंग्स हैं वो साइड्स में रहते हैं। और अगर हमारा जितना बैक में हाथ जाए, खुद इसको टैपिंग करें, कप बना के टैपिंग करें। तो ये टैपिंग थोड़ा फास्ट भी हो सकती है, फास्ट और थोड़ा स्ट्रांग भी हो सकती है फ्रेंकली। तो जितनी अपनी स्ट्रेंथ है उसको लॉज करें, क्योंकि इस प्रोसेस से क्या होगा, जो सिक्रेशंस लंग्स में या बॉडी में अंदर एडहर हो गए, चिपक गए, वो थोड़े लूज होंगे। इसके बाद हमें स्टार्ट करनी है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग में हम लॉन्ग इन्हेलेशन लेंगे नाक से, कुछ देर तक उसको होल्ड करेंगे अंदर, और उसके बाद एक्सहेलेशन करेंगे। कोशिश करेंगे इन्हेलेशन, सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया बराबर हो। यहाँ पर जो ध्यान देने की चीज़ है वो है होल्ड। तो हमें होल्ड प्रोसेस जरूर करना है। तो एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे इनहेल किया हमने, होल्ड, वापिस, इसमें जब एक्सहेलेशन करना है तो माउथ को विसल की तरह थोड़ा प्रेशर, अगर हम विसल छोटा विसल की तरह उसको एक्सहेल करते हैं, ऐसे करते पाउट बनाते हुए, तो हमारी एक्सहेलेशन में प्रेशर आता है, हमें वही चीज़ क्रिएट करनी है। तो इनहेलेशन होल्ड एंड एक्सहेलेशन विद द विसलिंग विद द प्रेशर। ये आप 5-7 बार करिए, लॉजिंग कर डीलॉजिंग करने के बाद 5-7 बार ये करिए। इसके बाद आप शॉर्ट कफिंग सीक्वेंस ऐड कर सकते हैं, जिससे सांस लिया, होल्ड, अगेन,
थोड़ा प्रेशर लेंगे, जितना प्रेशर लेंगे आप कुछ देर बाद फील करेंगे कि आपको एक कफिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, एक रिफ्लेक्स जिसमें आप खुद आपको स्पूटम को क्लियर करेंगे और स्पूटम आराम से आपकी बॉडी में से लंग्स में से निकलेगा। तो डोंट टेक दैट स्पूटम इनसाइड, उस थूक को आपने अंदर नहीं लेना, बल्कि उसको आप जितना कोशिश करें अपनी रिब से, इंटरकॉस्टल मसल से, बैक मसल से, इससे ऐसे प्रेशर दे के आप इसको बाहर करेंगे, स्पिट आउट करेंगे। और स्पिट आउट आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारा स्पूटम निकलेगा वो बहुत ही इन्फेक्शियस होगा, उसमें हमें किस सीधा उसको वॉश बेसिन में ड्रेन करिए और टैप चला दीजिए, या फिर जिस उस कमरे में दूसरा कोई नहीं हो, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उस स्पिट में बहुत से वायरस हवा में आएंगे और ये और किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेल्फ पोस्चरल ड्रेनेज हो गया, सेल्फ चेस्ट फिजियोथेरेपी हो गई, तो आप इसे ज़रूर करिए, बिकॉज इससे लंग्स क्लियर होंगे, एल्विलाई क्लियर होंगे, जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग ऑक्सीजनेशन हमारा बढ़ेगा और हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो ऑक्सीजन डिप हम लोग सुन रहे हैं, वो काफ़ी कंट्रोल में होगा। इसके साथ साथ मैं एक पोजीशन एडवाइस करूँगी, प्रोन पोजीशन, यानी कि उल्टा लेटने की प्रक्रिया, जिससे भी आईसीयू में भी, सीसीयू में भी जब ऑक्सीजनेशन करते हैं तो पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं, बिकॉज जो हमारे लंग्स की जो पोजीशन है, जब हम उल्टा लेटते हैं तो क्लियर होता है, बिकॉज लंग्स मोस्ट ऑफ द जो हमारे लंग का पोर्शन होता है वो पीछे की तरफ रहता है। तो उससे लेटने भर से, एक पोजीशन को लेटने भर से ही हमारे ऑक्सीजन काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। तो ये अगर हम ये छोटी चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो मैं समझती हूँ काफ़ी हद तक हम ऑक्सीजनेशन को, हमारी ऑक्सीजन अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी, लंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमारा ये बहुत हद तक ये ऑक्सीजन डिमांड हमारी बॉडी की बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। आप एक्टिव रहिए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर करिए, एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स का, कोविड हो गया राइट, यू आर इनसाइड द रूम, ये नहीं कि सोते रहेंगे आप, रेस्ट करते रहेंगे, नहीं, रेस्ट करना है, रेस्ट इज़ फाइन, आपको रेस्ट करना है, बट उठना है ज़रूर और थोड़ा थोड़ा रूम में वॉक करना है, हल्का हल्का, आप दिन में 2 बार 3 बार वॉक कर सकते हैं। इससे ग्रेजुअली जो हमारे ग्रेविटेशनल सिक्रीशंस हैं, ग्रेविटी की वजह से भी जो हमारे सिक्रीशंस हैं वो क्लियर होंगे और मोबिलिटी की वजह से, जॉइंट मोबिलिटी की वजह से हम लोग काफ़ी अच्छे से अच्छा फील करेंगे। और इसको थोड़े जैसे सिक्रीशंस बिल्ड हो, आप उसको एक्सहेल करिए, थूक दीजिए। डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर टेक्निक्स होती है, लेंडर बैक पोजीशंस, यानी कि उल्टा लेट के पेट के नीचे पिलो रख के ग्रेविटी असिस्टेड स्पूटम को हम निकालते हैं, वो भी आप कर सकते हैं सीधा लेट के, आप अपने पेट के नीचे पिलो रखिए ताकि आपका लंग्स का जो पोर्शन है वो डीप रहे और अपनी लेग्स, जैसे आप ऐसे लेते हैं, लंग्स का पोर्शन डीप है और ये अपनी लेग्स है, यहाँ आप पिलो रखिए, इसकी वजह से ग्रेविटी से आपके सिक्रेशंस, लंग सिक्रेशंस नीचे आएंगे और एयर फ्लो में सेंटर में, टुवर्ड्स दे कम टू द सेंटर्स, वहाँ से आपको एक्सक्रीट करना इसको बहुत ईजी हो जाएगा। सो ग्रेविटी असिस्टेड पोस्चरल ड्रेनेज है, दिस इज़ अ ग्रेविटी असिस्टेड पोस्चरल ड्रेनेज, बहुत विग्रस लेवल पे इंटेंसिव फिजियोथेरेपी ये वार्ड्स में भी यूज़ किया जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में यूज़ किया जाता है, इट्स वेरी सेफ, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो मैं ये समझती हूँ जिसको भी हल्का फुल्का कफ या कॉफ स्टार्ट हो रहा है, वो उसको ये जरूर से स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि उनके लंग्स में ऑक्सीजनेशन का इशू ना हो, बिकॉज लंग्स जब क्लियर रहेंगे तो म्यूकस नहीं रहेगा, म्यूकस नहीं रहेगा तो एल्वियोलाई क्लियर रहेंगे, जो हमारे ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो ब्रीदिंग हम अच्छे से कर सकेंगे। तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज शुड बी शेयर टू ऑल आवर फ्रेंड्स, बिकॉज आजकल ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बहुत लोगों को हो रही है एंड देयर इज स्केर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द कंट्री, सो दिस शुड बी शेयर टू मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स। थैंक यू।